ये तस्वीर जहां गाड़ी पर पथराव किया गया, बारातियों को घायल किया गया और इतना ही नहीं घोड़ी पर बैठे दूल्हे पर हमला किया गया, वो सिर्फ इसलिए कि ये मेहमान, ये बारात और ये लोग दलित थे। क्योंकि एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा तो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन आखिर कब तक समाज में दलितों पर अत्याचार होता रहेगा और आखिर कब तक इस तरह की हरकत होती रहेगी और राजस्थान सरकार देखती रहेगी, और आखिर कब एक रूढ़िवादी सोच का अंत होगा और एक समुदाय को इस तरह से प्रताड़ित करना बंद किया जाएगा। जहां तक इस घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और ताजा जानकारी की माने तो पुलिस इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और ये पूरा मामला कोतपुतली के करोड़ी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक दलित परिवार के घर शादी की खुशी थी। दूल्हा जैसे ही बारात लेकर गांव पहुंचा तो कुछ असामाजिक तत्वों ने दूल्हे के घोड़ी पर सवार होकर बारात निकालने पर आपत्ति जताई और पथराव किया। लेकिन सवाल ये कि आपत्ति क्यों जताई गई, क्या ये इंसान नहीं? और इस सवाल पर आज ये तस्वीरें उन तमाम लोगों को देखनी चाहिए जो इस वक्त जख्मी है, उनके परिवार में शादी की खुशी थी वो खुशी इस वक्त दुख में बदल गई, जहां 12 लोग जख्मी हो गए। लेकिन बड़ी बात ये थी कि मौके पर 5 थानों की पुलिस मौजूद थी और उसके बाद भी पुलिस पथराव को नहीं रोक सकी। लेकिन इस घटना के बाद राजनीति शुरू हो गई है, जहां मौके पर इंद्राज गुर्जर पहुंचे। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी बात सही है कि आजादी के 75 साल बाद भी जिस तरीके से जातिगत भेदभाव की आज घटना सामने आई, वो बिल्कुल निंदनीय है। और मुझे 2-3 दिन पहले ऐसा पता चला था कि भाई यहाँ दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, और मैंने प्रशासनिक अधिकारी को सबको निर्देश भी दिए, पुलिस को भी भेजा उस समय, तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था भी करी। लेकिन रात्रि का समय होने के कारण, आसपास में घने पेड़ होने के कारण जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल निंदनीय घटना थी, और सारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। मुझे भी अभी जब पता चला, मैं भी तुरंत यहाँ पे मौके पे आया हूँ। लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि इन सब लोगों को न्याय मिले, पुलिस भी चाहती है, प्रशासन भी चाहता है, राजस्थान की सरकार भी चाहती है, और पूरी मुस्तैदी के साथ काम करके जिन लोगों ने गलत किया उनकी गिरफ्तारी होगी और इन सब लोगों को न्याय देने का काम करें। सर, 2 दिन बाद भी इसी परिवार में 2 बच्चों की शादी है, तो उसके लिए क्या आप अरेंज कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था रहेगी, पूरा जाब्ता यहाँ पे तैनात रहेगा, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होने दी जाएगी और पूरी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इनके लिए की जाएगी। तो वही पायलट ने भी घटना पर बयान दिया। दलित आदिवासी समाज के खिलाफ अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कानून के तहत जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार की घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगना चाहिए। सब लोगों को सामान्य जीवन जीने का अधिकार है और हमारे दलित भाई बहनों के लिए विशेष रूप से आज उनको संरक्षण की जरूरत है, और मैं और हम सब लोग हमेशा हमारे दलित भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं मामले पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने पूरे थाने के पुलिस स्टाफ को निलंबित करने की मांग की है, लेकिन कब तक ऐसे ही दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा और क्यों गहलोत सरकार की पुलिस ये पथराव नहीं रोक पाई, जबकि मौके पर 5 थानों की पुलिस की मौजूदगी थी, पहरा था। घटना जो है बड़ी दुखद है, और पुलिस का ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें दिए गए हैं सभी को, उसके अनुरूप सभी बराबर हैं। इस तरीके की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहाँ चूक रही इस बारे में भी जाँच की जाएगी, क्या घटना हुई है उसके बारे में विस्तृत रूप से कानूनी कार्रवाई, जो जो दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी क्या फैसला निकला, जैसे कि माना जा रहा है कि बारात ने भी खाना नहीं खाया है और कभी फेरे भी नहीं है, तो अभी क्या चाह रहे हैं परिजन? शुभ कार्य है, वो शुभ कार्य उनका प्रारंभ होगा और प्रकरण के अंदर प्रकरण दर्ज करके आगे इसके अंदर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सही समय पे कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे पत्थर बरसे तो पुलिस इधर उधर चली गई। उस बारे में जैसा मैंने कहा आपको, जैसी जो परिस्थिति बनी है उसके बारे में मैं अभी पूरा मौका देखूंगा, सारी परिस्थिति देखेंगे, उसके बारे में जो तथ्य आएंगे उनका संज्ञान लिया जाएगा। और इसके बाद एक बड़ी बात यह है कि आखिर पथराव करने वालों को ये हक किसने दिया कि वो किसी परिवार की खुशी को गम में बदले, और हक किसने दिया कि दलित पर अत्याचार होता रहे और पुलिस ऐसे ही देखती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।